मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आंध्र प्रदेश राज्य के पलासा में हूँ। संस्कृत भाषा में पलासा का अर्थ है नौ ग्रहों में से किसी एक को विशेष रूप से अर्पित किया जाने वाला कमल का पौधा। ईश्वर से अपने अधिकार के रूप में मूल्यों को प्राप्त करके हमें अपने जीवन को कमल के समान बनाना चाहिए। कमल की तरह हमें शांत और कोमल रहना होगा। कमल तालाब में रहता है, लेकिन पानी तालाब या कीचड़ से लगाव नहीं रखता। कमल हमें खुशी देता है। इसी तरह हमें पृथ्वी पर रहना है, लेकिन आसक्ति मुक्त रहना है। पलासा श्रीकाकुलम जिले के जुड़वा शहरों में से एक है। काशीबुग्गा पलासा के पास और एक जुड़वा शहर है। जानकारी के मुताबिक पलासा शहर दोयम दर्जे की नगरपालिका है। पलासा शहर पलासा मंडल का मुख्यालय है। पलासा शहर जिला मुख्यालय श्रीकाकुलम से लगभग 90 किलोमीटर दूर पर स्थित है। पलासा एक शाकाहारी शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बहुत से लोग शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं। पलासा काजू के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से काजू कई राज्यों और विदेशों में निर्यात किया जाता है। पलासा काजू के लिए बहुत 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 प्रसिद्ध है। हम भगवान से सभी लोगों के सौभाग्य के लिए प्रार्थना करते रहते हैं और हमेशा प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कृपया वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। कृपया ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। भगवान सभी के कल्याण करें। बाकी सब कुछ आप चित्र देखते देखते समझ जाएंगे। मैं अभी पलासा में हूँ, आप देख रहे हैं, मुझे हवा लग रहा है। Thank you.
है।